पिछली फॉल गाइस मोबाइल वीडियो में मैंने ये तो बता दिया था कि गेम का क्लोज्ड बीटा अगस्त 4 या अक्टूबर में आ सकता है एंड सॉफ्ट लॉन्च अक्टूबर या दिसंबर नवंबर में आ सकता है। पर भाई अब बात आती है कि ग्लोबल लॉन्च कब रिलीज होगा। इनसे तूने ये तो बता दिया कि 2022 में ही ग्लोबल वर्जन आएगा, बट कब, कोई स्पेसिफिक डेट या मंथ तो बता। एंड इसका आंसर छुपा है इन दो स्टेटमेंट्स में। एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, फॉल गाइस रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म्ड फॉर एंड्रॉइड। डिस्क्लेमर, अभी मैं आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स एंड रिलीज डेट्स बताऊंगा वो मेरे या मेरे अंदाजे से नहीं बताऊंगा, बल्कि ये स्टेटमेंट्स खुद फॉल गाइस के डेवलपर्स ने ही बताई है। सो कुछ ही दिनों पहले फॉल गाइस के डेवलपर डिवॉल्वर डिजिटल ने ये ट्वीट किया था, गोना ड्रॉप अ वियर्ड फ्री टू प्ले मोबाइल गेम लेटर दिस ईयर मेबी टू। सो अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार गेम के डेवलपर तो मीडियाटोनिक वाले थे, ये डिवॉल्वर डिजिटल कौन है। तो अगर आप फॉल गाइस पीसी या PS4 वर्जन खेलते होगे तो गेम के स्टार्टिंग में आपको ये डिवॉल्वर डिजिटल वाला लोगो दिखता ही होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि हम दो फ्री वियर्ड मोबाइल गेम लॉन्च करने वाले हैं इस ईयर के बाद, एंड इन दो गेम्स में से एक फॉल गाइस मोबाइल भी हो सकता है। नॉट श्योर, बट ज्यादा चांसेस हैं कि उन दो गेम्स में से एक फॉल गाइस मोबाइल ही हो। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर गेम अगले साल आने वाली है तो क्लोज्ड बीटा फिर अगस्त 2021 में कैसे आएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल जब आया था तब उसके क्लोज्ड बीटास एंड सॉफ्ट लॉन्च 2021 में ही आएंगे, एंड एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का ग्लोबल लॉन्च इस ईयर के एंड में ही होगा। सो फॉल गाइस मोबाइल की अनाउंसमेंट भी E3 इवेंट 2021 में हो सकती है, एंड ये भी डिवॉल्वर डिजिटल ने ही बोला है ट्वीट करके। अब अगर वो दो गेम्स की अनाउंसमेंट करते हैं E3 इवेंट में तो हमें पता चल जाएगा कि उन दो गेम्स में फॉल गाइस मोबाइल है भी या नहीं, एंड अगर E3 में अनाउंसमेंट नहीं होती है तो फिर अगस्त 4 2021 तक हो जाएगी, एंड वो दो स्टेटमेंट्स यही थे। अब बहुत लोगों को पता चल ही गया होगा कि ग्लोबल लॉन्च कब होगा, बट अभी भी अगर आप लोगों को नहीं पता चला तो ग्लोबल वर्जन 2022 में ही आएगा, एंड अगर बात करें कोई स्पेसिफिक मंथ की तो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल 2022 तक आ जाना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट फॉल गाइस वाले भी समझ रहे होंगे कि ऑडियंस की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बीटास एंड सॉफ्ट लॉन्च को 2021 में रिलीज करेंगे ही। एंड E3 इवेंट एंड अगस्त 4 के अलावा भी एक और डेट है जिसमें कि गेम की अनाउंसमेंट एंड रिलीज डेट के बारे में भी पता चल सकता है। सो आखिर वो डेट है कौन सी। सो मैंने आपको गेम की अनाउंसमेंट के दो डेट्स बताए हैं, या तो E3 इवेंट और या तो अगस्त 4। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये समर गेम फेस्ट कौन सी नहीं बोला है। सो समर गेम फेस्ट भी बेसिकली E3 इवेंट की तरह ही एक इवेंट होता है जिसमें गेम डेवलपर्स आने वाले गेम्स की अनाउंसमेंट एंड रिलीज डेट्स बताते हैं, एंड इसी समर गेम फेस्ट में मीडियाटोनिक एंड डिवॉल्वर डिजिटल दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। सो हो सकता है कि हमें इस फेस्ट में गेम की अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, एंड रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। एंड समर गेम फेस्ट जून 10 को। सो अब तो गेम की अनाउंसमेंट होने के चांसेस जून में तो बहुत ज्यादा है। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। तो इनसे अगर गेम की अनाउंसमेंट जून में भी नहीं होती है और अगस्त 4 को भी अगर नहीं होती है तो फिर गेम की अनाउंसमेंट कब होगी, अब ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखो, एंड अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर अभी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।